मंडल विकास निगम द्वारा उत्तरा आवास योजना के अंतर्गत भीमावाला नावघाट स्थित संचालित किए जा रहे खनन लॉट पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए डॉक्टर आर एस नेगी, शेखर डिमरी, सुहानी नेगी द्वारा लगभग 120 लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में यमुना में काम कर रहे खनन श्रमिकों को निशुल्क मास्क सैनिटाइजर का वितरण करने के साथ ही कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर अनूप चौधरी, रोशन नेगी, सुनील काला, अभिनव रजत सुल्तान आदि मौजूद रहे। कोतवाली विकास नगर की डाकपत्थर चौकी प्रभारी कुंदन राम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए करनाल हरियाणा से दो वाहनों से 4 लाख रुपए की तस्करी कर लाई जा रही 110 पेटी 4,950 पौवे तोहफा देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। छोटा हाथी में लदी 56 पेटियों को चालक वीरपाल व सोमदेव को गोवर्धनपुर जिला हरिद्वार तथा टाटा 407 चालक अजय को 54 पेटी दोराला मेरठ पंचायत चुनाव हेतु पहुंचानी थी। तीनों तस्करों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। थाना सहसपुर क्षेत्र की धर्मवाला चौकी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करते दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चौकी प्रभारी धर्मवाला दीपक मिठानी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दो शातिर तस्करों इल्ताफ पुत्र ईशा के पास से 10.86 ग्राम और आरिफ पुत्र नाजर निवासी हीरा लाइन ढकरानी के पास से 9.70 ग्राम हीरोइन बरामद हुई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पाली विकास नगर के उप निरीक्षक सुरेश चंद बलूनी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उदयाबाद में चेकिंग के दौरान गाड़ी नंबर UP19T1152 पिकअप को रोकने पर उसमें सवार ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पिकअप गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में जंगल से चोरी कर लाए गए 46 नग देवदार लकड़ी के स्लीपर बरामद हुए जिस संबंध में 379/411 IPC व 26/52 भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वाहन को सीज किया गया है। थाना सहसपुर पुलिस द्वारा अंजू पत्नी नंदकिशोर निवासी लक्ष्मीपुर के घर हुई चोरी के संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत द्वारा वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप पंत के नेतृत्व में गठित टीम ने CCTV फुटेज की मदद से तालीम पुत्र हाशिम निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना सहसपुर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। थाना सहसपुर की चौकी सभावाला पुलिस द्वारा 16 टन सेमल की लकड़ी के साथ दो लकड़ी तस्करों जुबेर पुत्र नूर हसन निवासी चांदपुर थाना गागलहेड़ी सहारनपुर और मोहम्मद फुरकान पुत्र स्वर्गीय ईशा ग्राम सहसपुर को गिरफ्तार किया गया। चौकी प्रभारी सभावाला किशन देवरानी के नेतृत्व चेकिंग के दौरान LP ट्रक UK07CB6556 से बरामद करीब 16 टन सेमल की लकड़ी के कागज न दिखाने पर लकड़ी छरबा गांव के आसपास से लोगों के पेड़ खरीदकर बिना अनुमति के वृक्षों का पातन कर अवैध रूप से ले जाना पाया गया। इस संबंध में दोनों तस्करों के खिलाफ धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माँ यमुना रक्षक संघ द्वारा हिंदू नववर्ष संवत 2078 एवं चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर यमुना नदी को बचाने तथा देश के कल्याण हेतु माँ यमुना की सायंकालीन आरती वंदन दीप ध्यान विधि पूर्वक संपन्न कराई गई। आरती के पश्चात आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। माँ यमुना संघ के द्वारा यमुना आरती करवाने का उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करवाना है। माँ यमुना आरती के मौके पर आचार्य पंडित कृष्णानंद जगोड़ी, आचार्य दिनेश गैरोला, पंडित विपिन शास्त्री, पंडित विनोद कोठारी, पंडित सत्येंद्र शास्त्री, सुमन चौधरी, मुमताज खान, सचिन, कविता, अमीना, आयशा, सपला, नीलू आदि शामिल रहे। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।